वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मोहित त्रिपाठी की एक और नई वीडियो, जहां आज हम बात करने वाले हैं दी ऑल न्यू मारुति सुजुकी सेलेरियो 2022 में ये इसका फेसलिफ्ट आया था और चार वेरिएंट आपको इसमें देखने को मिलते हैं। चार वेरिएंट जो है वो इसमें ऑफर किए गए हैं मारुति की तरफ से, LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस। पेट्रोल और CNG के ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो CNG वेरिएंट है वो स्पेसिफिक वेरिएंट आपको मारुति ऑफर करती है, जो कि VXi में ही आपको CNG वेरिएंट जो है वो देखने को मिलती है। बाकी फ्रंट से बात कर लेते हैं, इसके ओवरऑल लुक्स की। ये जो वेरिएंट आप देख रहे हो बहुत ही खास होने वाला है, वैल्यू फॉर मनी आपके लिए होने वाला है। जो मनी की बात कर लें तो जो इसकी प्राइसिंग है वो आपको हमारी स्क्रीन पे ही देखने को मिल जाएगी वीडियो के एंड में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक्स की। VXi वेरिएंट है, CNG में ऑफर किया जाता है और जो लाइट्स दी गई हैं वो आपको हैलोजन में ऑफर की जाती हैं। प्रोजेक्टर आपको किसी भी वेरिएंट में नहीं देखने को मिलता, लेकिन हम खासकर इस वेरिएंट की बात करते हैं तो इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प जो है वो आपको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराने पड़ सकते हैं, अगर आप अपने मन मुताबिक कराने चाहो तो। बाकी आपको मारुति की किसी भी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव बुक करनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, तो वहां से आप अपनी टेस्ट ड्राइव जो है वो बुक कर सकते हो। जो यहाँ पे फ्रंट की ग्रिल दी गई है वो आपको रगेड फिनिश में ऑफर की गई है, वहीं पे क्रोम वर्क जो है मारुति की तरफ से किया गया है, सुजुकी का ब्रॉड सा लोगो। नंबर प्लेट के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, रगेड फिनिश का भी वर्क जो है काफी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। लोअर पार्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको स्किड प्लेट के ऑप्शंस आपको जरूर देखने को नहीं मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करने की बात जरूर आपको देखने को मिल जाती है। इंजन एंड पावर ट्रेन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो आपको इंजन ऑफर किया गया है 1.0 लीटर का आपको इंजन जो है वो ऑफर किया गया है। नेक्स्ट जनरेशन के सीरीज डुअल जेट आपको VVT इंजन जो है वो आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप बटन के साथ जो है वो ऑफर किया गया है। 49 किलोवाट की जो है वो आपको मैक्स पावर जनरेट करके देता है और 89 Nm का जो है वो टॉर्क जो है वो जनरेट करके देता है। तो ये आप कुछ खास बातें हैं इस मारुति सुजुकी की, तो वो आप जान लो। बाकी रूफ में बात कर लेते तो एक एंटीना जो है वो ऑफर किया गया है, इसमें आपको स्टील रिम जो है वो ऑफर किए जाते हैं मारुति की तरफ से। ब्रिज स्टोन के जो हैं वो टायर जो हैं वो आपको ऑफर किए गए हैं। व्हील कैप भी आपको मारुति की तरफ से ही जो है वो ऑफर की जाती है। तो यहाँ पे एक बार इसके जो है टायर रेशियो की बात कर लेते तो 165/70R14 के जो है वो आपको इसमें जो है टायर्स जो है देखने को मिल जाते हैं, स्टील रिम जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी ORVM की बात कर लेते तो यहाँ पे आपको जो ORVMs दिए गए हैं वो आपको जो है बॉडी कलर में देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिक हैं या फोल्डेबल हैं वो हम गाड़ी के अंदर बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक आपको कर्व दिख रहा होगा फेंडर पे जो कि काफ़ी जो इसके प्रीमियमनेस को है वो इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे आप टर्न इंडिकेटर जो है वो ऑफर किया गया है फेंडर पे ही, और यहाँ पे आपको डोर लॉक एंड अनलॉक करने के ऑप्शंस, और यहाँ पे आपको डोर ओपनर जो है वो बॉडी कलर में ऑफर किया जाता है। बाकी एक चीज़ जो और इस गाड़ी को खास बना देती है, यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक का वर्क देखने को मिलता है। नॉर्मल से ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको एक ग्लास देखने को मिलता था पहले मारुति की गाड़ियों में, लेकिन यहाँ पे अब आपको एक प्लास्टिक का वर्क देखने को मिलता है जो कि कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर देता है। बाकी रूफ में ना रूफ रेल्स आपको ऑफर की गई हैं, ना ही इस वेरियंट में आपको शार्क फिन एंटीना ऑफर किया गया है। तो कुछ साइड प्रोफाइल जो गाड़ी की है कुछ इस तरीके से लगती है, तो वो आप अपनी स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो। बाकी रेयर में चलते हैं तो रेयर में आपको बताते हैं कि रेयर से क्या क्या ऑफर किया जाता है इस गाड़ी में। तो यहाँ पे आपको जो हेलोजन में है वो आपको टेल लैंप्स जो हैं वो ऑफर किए गए हैं, टर्न इंडिकेटर विद आपको रिवर्स पार्किंग लाइट आपको इसमें देखने को मिल जाती है। बाकी दो रिफ्लेक्टर जो हैं वो आपको यहाँ पे ऑफर किए गए। एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी लगती है, यहाँ पर आपको दो जो हैं रिक्वेस्ट पार्किंग सेंसर्स जो हैं मारुति की तरफ से ऑफर किया जाता है, वो आपको बहुत ही शार्प तरीके से यहाँ पे आपको फिट देखने को मिलता है। एक रिक्वेस्ट सेंसर ये और एक रिक्वेस्ट सेंसर आपको ये आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। बाकी यहाँ पे एक जो है वो आपको सेलेरियो का ओल्ड स्कूल टाइप का यहाँ पे आपको जो बूट है वो एक्सेस करने के लिए यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है, ये आप कुछ इस तरीके से जो है इसके बूट को एक्सेस कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सुजुकी का लोबो, सेलेरियो की बैजिंग और यहाँ पे CNG की भी बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। बाकी कोई भी आपको यहाँ पे ना डिफॉगर आपको देखने को मिलता है, ना रेयर वाइपर देखने को मिलता है, ना ही वॉशर आपको इस वेरिएंट में देखने को मिलता है। तो आइए एक बार इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं और बूट में आपको बताते हैं कि क्या कुछ स्पेस जो है इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का आपको बूट स्पेस जो है वो ऑफर किया गया है।
बाकी यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेस आपको देखने को नहीं मिलती है सिलेंडर लगने के बाद। और जो सिलेंडर नहीं लगता है तो आपको साइड में देखने को मिल रही होगी वीडियो में, ठीक है, कुछ जो है स्पेस आपको इसमें देखने को मिल जाती है। बाकी टायर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, वही स्टील रिम आपको नॉर्मल से ऑफर किया गया है ब्रिजस्टोन का। बाकी टायर की फिटमेंट कुछ इस तरीके से की गई है जो कि काफ़ी प्यारी सी आपको बना देती है। कुछ ऐसे आप करके टायर को जो है वो रिमूव कर सकते हो। CNG आपको देखने को मिलती है, CNG टैंक जो है देखने को मिल जाता है। बूट लैंप आपको इसमें ऑफर नहीं किया जाता है मारुति की तरफ से, तो ये कुछ खास बातें हैं। चलते हैं फटाफट गाड़ी के अंदर और आपको बताते हैं कि गाड़ी के अंदर से क्या क्या जो है चीज़ें जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको इस वेरिएंट में देखने को मिल जाती हैं। बाकी साइड प्रोफाइल का कुछ नज़ारा आप ले सकते हो, यहाँ पे अपनी जो है वो फ्यूल जो है वो इंगेज करवा सकते हो। 35 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर की गई है, तो यहाँ से आप अपनी CNG भी फिल करवा सकते हो और फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी यहीं से आप फिल करवा सकते हो। तो वीडियो को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर हमारे पहली बार हो तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं फटाफट गाड़ी के अंदर और बताते हैं कि मारुति सुजुकी VXI वेरिएंट में सेलेरियो में क्या क्या ऑफर करती है। गाइस आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और कर लिया है हमने गाड़ी को लॉक और कुछ इस टाइप की आपको नॉर्मल से की ऑफर की गई है मारुति सुजुकी VXI सेलेरियो में, सेलेरियो VXI वेरिएंट में कुछ इस तरीके की नॉर्मल से की ऑफर की जाती है। कर लेते हैं इग्निशन को ऑन, तो कम से कम यहाँ पे जो है वो आपकी की इंसर्ट हो जाती है नॉर्मल से। ऐसे ही आपको राइट साइड में घुमाते हो तो गाड़ी जो है वो अनलॉक हो जाती है, लेकिन शायद इस गाड़ी की बैटरी डल है तो शायद आपको यहाँ पे जो बैटरी है वो डल देखने को मिलती है। तो क्या ही कर सकते हैं, बैटरी डल है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बता देते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मल सा ऑडोमीटर आपको देखने को मिलता है और वहीं ट्रिप भी और समथिंग आपको ऐसे कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको राइट साइड लेफ्ट साइड में आपको फ्यूल के जो है वो ट्रीटमेंट देखने को मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड में आपको पेट्रोल के देखने को मिल जाते होंगे। बाकी बात कर लेते हैं तो सिल्वर इस फिनिश में यहाँ पे आपको एसी वेंट जो है वो ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको CNG टू फ्यूल आपको यहाँ पे एक बटन देखने को मिलता है जो कि आप जंप कर सकते हो CNG में या फिर जंप कर सकते हो आप अपने पेट्रोल पे। बाकी यहाँ पे जो है वो आपको इलेक्ट्रिक फोल्डेबल आपको ORVMs नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन आप इनको एडजस्ट यहीं से कर सकते हो। यहाँ पे आपको की इंसर्ट करने का पॉइंट जो है वो ऑफर किया गया है। बाकी सिल्वर फिनिश में डोर ओपनर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, रगेड फिनिश में यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलती है, 1 लीटर बॉटल स्पेस, कुछ यूटिलिटी स्पेस, यहाँ पे आपको विंडो डोर पे ही आपको एक जो है वो आपको स्पीकर्स की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे आपकी जो है हेडलैम्प के लेवलर, यहाँ पे आपको बोनेट एक्सेस करने का लीवर और 3 पैडल और यहाँ पे आपको एक डेड पैडल जो है वो ऑफर किया जाता है मारुति सुजुकी की तरफ से। बाकी राउंड शेप में जो है उसका स्टेयरिंग जो है वो ऑफर किया गया है सुजुकी का ब्रॉड सा लोबो। विंडो अप एंड डाउन के फंक्शंस, तो फ्रंट की 2 विंडो जो है वो आपकी अप एंड डाउन वाली हैं, ऑटो है जो है ड्राइवर साइड वाली आपको ऑटो देखने को मिलती है, को ड्राइवर आपकी नॉर्मल देखने को मिलती है, विंडो लॉक और यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग के ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। बाकी हैजार्ड लैंप का बटन जो है यहाँ पे ऑफर किया गया है, 2 AC वेंट आपको यहाँ पे ऑफर किए गए हैं सेंटर में ही। यहाँ पे कोई भी म्यूजिक सिस्टम आपको इंस्टॉल नहीं किया गया है, आप आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हो अगर करवाना चाहो। बाकी यहाँ पे आपको AC वेंट जो है वो मैनुअली आपको ऑफर किया गया है, 12 वोल्ट का सॉकेट जो है यहाँ पे ऑफर किया गया है। कुछ यहाँ पे आपको मोबाइल की स्टोरेज आपको देखने को मिलती है, 2 प्यारे से कप होल्डर्स और यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विद रिवर्स। कैमरे की क्वालिटी आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलती क्योंकि कैमरा इसमें इंस्टॉल नहीं आता है बाबा। और यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में डोर ओपनर जो है वो ऑफर किया गया है। कुछ यहाँ पे स्पेस जरूर ऑफर किया गया है या कह सकते हो यहाँ पे ब्लैंकिश टाइप का आपको कुछ रख सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको एक हैंड ब्रेक जो है वो ऑफर किया गया है, क्रोम फिनिश में 2 आपको यहाँ पे जो है वो आपको मिल जाते हैं सीट बेल्ट के वार्निंग। बाकी 2 एयरबैग्स आपको इसमें ऑफर किया गया है, सीट बेल्ट वार्निंग आपको इसमें सेफ्टी फंक्शन में ऑफर की गई है। 80 KMPH पे आपको एक बीप आपको जरूर देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स आपको छोटू सा देखने को मिलता है, सीट बेल्ट वार्निंग जैसे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको एक IRVM जो है डे एंड नाइट IRVM आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक आपको लाइट ऑफर की गई है, यहाँ पे टिकट होल्डर सचेट पे और यहाँ पे आपको को ड्राइवर साइड एक वैनिटी मिरर और यहाँ पे फोल्डेबल नहीं नॉर्मल सा आपको ग्रैब हैंडल आपको देखने को मिल जाता है। चलते हैं रेयर में और रेयर से आपको बताते हैं कि रेयर में क्या कुछ जो गाड़ी में है वो खास होने वाला है हमारी इस सेलेरियो VXI वेरिएंट में। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर हमारे पहली बार हो तो चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी ये आप जानते हो कि जो ये गाड़ी है वो फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल है, 26.6 KMPL का जो एवरेज है वो आपकी फ्यूल में निकाल के देती है और
ऐसा क्लेम करती है कि 36 एवरेज जो है वो आपको सीएनजी पे निकाल के ये देती है। और ये डायमेंशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का दिया गया है वो 170 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिया गया है। बाकी सैलेरियो का कर्व वेट की बात कर ले तो 810 किलो ग्राम का आपको यहाँ पे जो कर्व वेट है वो ऑफर किया गया है। बाकी 313 लीटर का आपको इसमें एक अच्छा खासा ह्यूज सब बूट स्पेस जो है वो ऑफर किया गया है नॉर्मल VXI वेरिएंट में। और VXI CNG में आपको कोई भी बूट स्पेस देखने को नहीं मिलता है क्योंकि CNG का जो टैंक है वो बूट स्पेस पूरा खा जाता है। तो चलते हैं इसके सेकेंड रो में और आपको बताते हैं यानी कि रेयर सीट पे, और आपको बताते हैं कि रेयर सीट पे क्या क्या ऑफर किया गया है। बाकी 60 डिग्री में जो है इसका डोर ओपनर वो ऑफर किया गया है यहाँ पे। बाकी चाइल्ड एंगस पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, चाइल्ड आपको लॉक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फटाफट चलते हैं गाड़ी के अंदर और यहाँ पे आपको एक जो है वो साउंड के प्लेसमेंट ऑफर की गई है, एक आपको बोतल स्पेस, कुछ यूटिलिटी स्पेस यहाँ पे आपको जो है वो आपको मिलता है, सिल्वर फिनिश में डोर ओपनर। तो चलते हैं गाड़ी को लॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम आ गए हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक अच्छी खासी जो है वो आपको यहाँ पे बॉडी में आपको नी लेग रूम आपको ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट कम से कम थोड़ा सा ही मिलता है, बाकी यहाँ पे विंडो अप एंड डाउन के जो है फंक्शंस आपको, रेयर के दोनों विंडो अप एंड डाउन के फंक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हेडरेस्ट की बात कर लेते हैं तो ना ही फ्रंट में ऑफर की गई है ना ही रेयर में आपको हेडरेस्ट जो है वो ऑफर की गई है, ना ही कोई आपको यहाँ पे मिलता है आर्मरेस्ट। बाकी 60-40 के रेशियो में आप अपनी सीट जो है वो स्प्लिट कर सकते हो, बीच में एक हम्प जरूर देखने को मिलता है। तो ये चार लोगों की सीट पे तो काफी अच्छी है, लेकिन अगर पांच लोग बैठेंगे इस गाड़ी में यानी कि पीछे की रो में तीन लोग बैठेंगे तो कुछ आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर सकती है। बाकी रेयर से जो डैशबोर्ड की लुक है वो सेकंड रो से कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है। फटाफट करते हैं इसके बूट को एक्सेस और बोनट को एक्सेस कर लेते हैं फटाफट और आपको बताते हैं कि CNG का जो इंजन की प्लेसमेंट है वो किस तरीके से की गई है। तो यहां से कुछ जो है वो आपको जो बूट है वो यहाँ से एक्सेस हो जाता है, बोनट यहाँ से एक्सेस हो जाता है और यहाँ से जो है वो इसका कुछ ऐसा लुक आता है। बाकी यहाँ पे इसके बोनट को एक्सेस कर लेते हैं तो यस ऑलराइट। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे जो इंजन है वो प्लेस किया गया है, एमरॉन की बैटरी आपको इसमें ऑफर की गई है, बाकी चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की 49 किलोवाट का जो है वो आपको इसमें पावर जो है वो ऑफर किया गया है, 89 Nm का इसमें टॉर्क जो है वो ये गाड़ी ऑफर करती है। बाकी यहाँ पे आपको इंजन चेसिस नंबर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको वाइपर के फ्लूड आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको कूलेंट जैसे फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, कूलेंट के फ्लूड आपको देखने को मिलते हैं। कुछ वार्निंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, यूज़ ओनली R134A, यूज़ ओनली NND ऑयल 1, यहाँ पे गर्म होने पर ये कुछ चेतावनी है, कुछ वार्निंग्स हैं, कुछ पॉज हैं आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी डैम्पिंग का वर्क आपको इस वेरिएंट में नहीं देखने को मिलता है क्योंकि ये पेट्रोल गाड़ी है, तो पेट्रोल में आपको एम्बियंस लेवल वैसे भी नॉर्मल ही देखने को मिलता है। तो ये रही सेलेरियो VXI वेरिएंट का डिटेल्ड वॉक अराउंड, कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं। बाकी प्राइसिंग भी आपको यहीं पे कहीं मेंशन हो रही होगी सेलेरियो VXI ऑन रोड की, बाकी वेटिंग पीरियड भी आपको देखने को मिल जाएगा हमारी स्क्रीन पे। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं। बाकी मारुति सुजुकी सेलेरियो की टेस्ट ड्राइव लखनऊ में बुक करनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, वहां से आप अपनी सेलेरियो की टेस्ट ड्राइव जो है वो बुक कर सकते हो। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखो और हमारी वीडियो को एंजॉय करते रहो। टिल देन पीस।